एक एक उदाहरण रख दूं ताकि बहस में जनता को भी अच्छे से चीजें समझ में आए। राहुल गांधी तो अभी सांसद रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सोनिया जी के पुत्र हैं। इस देश के 5 वर्ष प्रधानमंत्री रहे नरसिंह राव, देश के तमाम मंत्रालयों के मंत्री रहे, बड़े राजनेता थे भारत के। वो कुर्सी से हटने के 90 दिन के भीतर लखूभाई पाठक ने उनके खिलाफ एक मुकदमा किया था रिश्वत का, ठीक। उसमें वो दिल्ली के मुंसिफ चीफ जस्टिस नहीं, किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के मुंसिफ की इजलास में गए थे और कटघरे में खड़े हुए थे। मुंसिफ का नाम था प्रेम प्रकाश। क्या यह है भारत का संविधान और भारत का कानून, इसी से भारत चलेगा? राहुल गांधी को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो ये उनकी प्रॉब्लम है, समझना पड़ेगा। मित्र, आपको किस आधार पर एग्जिमिशन चाहिए? बोले हमारे खिलाफ मुकदमा, साजिश। अरे भाई, नेहरू सबके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, आपने पाप नहीं किया, छूट जाएंगे। खैर, सिद्धार्थ शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि जो केजरीवाल जी का जो मॉडल है राजनीति करने का, आरोप लगा के पूरे मजे ले लो, क्या नींबू निचोड़ लो, और जब मामला गड़बड़ हो तो कह दो भाई हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, आपका हृदय दुखा, हम क्षमा चाहते हैं, और वो कागज कोर्ट में जमा कर दो। और केजरीवाल जी से पहले दिल्ली में ये काम भाजपा और कांग्रेस के बड़े दो बड़े नेता हुआ करते थे, केजरीवाल जी के अभ्युदय से पहले मदन लाल खुराना और शीला दीक्षित, वो लोग भी आपस में कई बार कर चुके थे अदालत में माफी मांगो अभियान, तो मुकदमा खत्म हो जाता था। ये ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं है? सिद्धार्थ जी, आपने जो बात कहनी वो भी कह ली, बाद में जेल रेल से भी बचे। नहीं जी, अमिताभ जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में मेहमान बन के बुलाया है तो मुझे अपनी बात पूरी कर देने दीजिए। इससे पहले खेमचंद शर्मा जी ने 2 बार बात की, उन्होंने आपने उनको रोका नहीं, बात मान लीजिए मेरी बात, ध्यान में रखिएगा। इस कार्यक्रम में ना हम राहुल गांधी जी के बचाव में ना तो हम कांग्रेस में हैं और ना तो भाजपा में हैं, हम एक निष्पक्ष भूमिका से ये बात कहना चाह रहे हैं। और अगर मेरी बात ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल से TV9 के दर्शक जो हैं वो इतने समझदार हैं। ठीक बात है जी, भैया बात कहिए, बात कहिए, बात कहिए जी। मेरी बात दो मिनट में खत्म हो जाए। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा वो गलत था तो मुझे ये कहिए कि भाजपा के ही प्रधान जी ने कभी किसी को जर्सी गाय भी कहा है? मैं पूर्वांचल से आता हूं, बिहार के लोगों का DNA खराब है ये भी कहा है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहा है, कपड़ों से पहचानेंगे ये भी कहा है, दीदी पर सीटी भी बजाई है। तो अगर गलत है तो दोनों गलत है, इसीलिए मेरा बिल्कुल। और आपने पिछले बार मुझे कह दिया कि कार्यपालिका इस देश में किसी को भी जांच करके जेल में डाल सकती है, तो इसी देश में इमरजेंसी के समय लाल कृष्ण अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी जेल में डाला गया था, तो इसका मतलब वो अपराधी नहीं होते हैं। फिर से मेरा निवेदन है कि व्यवस्था सरकार किसी को जांच कर सकती है, किसी की स्वतंत्रता का हनन करके उसको जेल में डाल सकती है, लेकिन उसको दंड देने, जेल जाना दंड नहीं होता है। आपने मुझे कहा 2 मिनट समय देंगे, दंड देने का अधिकार कि इसको 2 साल की सजा होगी या फलाने को फांसी होगी, ये जो अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका के पास है। और भारत के संविधान में ये स्पष्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर कि आदमी वाणी में कुछ भी बोल सकता है, कृति में गलत काम नहीं करेगा। और मेरा यही सवाल है कि भाजपा ये करके जी, ठीक। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी ने अपनी बात ठीक से रखी, कहीं विरोध नहीं है। मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को कार्यपालिका ने गिरफ्तार किया, अदालत के सामने पेश किया, अदालत ने उनमें प्रथम दृष्टया चोरी का मामला पाया, भ्रष्टाचार का मामला पाया, उसने जमानतें इनकार करता कि जा रही है अदालत। यही तो व्याख्या कर रहे थे हम लोग, इसमें विरोध काय का और लड़ाई काय की, एक चीज इसको समझिए, ठीक सब लोग। दूसरी बात, मैं रत्नाकर जी से भी वही कह रहा था जो सवाल सिद्धार्थ जी ने उठाया, और मैंने AK मिश्रा जी से सवाल पूछा तब भी ये बात कही थी। आपने 10 उदाहरण गिनाए कि भाजपा के नेताओं ने ये कहा ये अभद्र था। मैं कह रहा हूं मैं ऐसे 100 उदाहरण और आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, आप मुकदमा लिखाइए ना। AK मिश्रा जी, 10 इन्होंने ढूंढे, 10 कांग्रेस के पास होंगे, 20 मैं और भेज देता हूं, व्हाट्सएप कर देता हूं। आप राहुल गांधी का ये मुकदमा लिखाएं,
आप ये चाह रहे हो कि मेरे खिलाफ मुकदमाना लिखाया जाए, बाकी आप भी बोलते रहो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी के खिलाफ हूं। आपको लग रहा है कि मिस्टर एक्स ने मानहानि की, मिस्टर वाई की, मुकदमा लिखाई है ना, इसमें क्या समस्या मिश्रा जी? कांग्रेस के पास वकील नहीं है क्या? बड़े वकील हैं क्या? समस्या क्या है? आम आदमी पार्टी के पास भी बड़े वकील हैं, जो वो हमको गिना रहे हैं कि ये जर्सी गाय और क्या क्या बताया, ठीक है ऐसा बोला, मुकदमा लिखाइए। नहीं देखिए, इसमें समस्या ये है कि आत्मविश्वास की कमी पहली चीज। दूसरी चीज ये है, मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर यही कंपटीशन शुरू हो जाए सारे पॉलिटिकल पार्टियों में, तो भी अपने देश और समाज का बड़ा भला हो, सब सुधर जाएंगे। इसीलिए मैंने इसीलिए बोला था कि समाज में जो ये बुराइयां फैली हैं, स्पेशली भाषण को लेके कुछ भी बोल देना, कहीं पे भी बोल देना, टीवी सीरियल पिक्चरों में, राजनीति में, कम से कम ये बुराई तो साफ होगी। मैं दोनों अपने जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से, प्रवक्ताओं से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी शुरुआत करिए। सावन से भादो पीछे नहीं होता है, सावन महीने में अगर एक कुछ सफाई हुई है तो कुछ भादों में भी सफाई करिए आप लोग, इसमें कोई गुरेज नहीं है। दूसरी चीज, आम आदमी के प्रवक्ता सर, आप लोग जब इतने मायोपिक होके देखेंगे भाई, सजा किसी कार्यपालिका ने या कोई राजनीतिक पार्टी ने थोड़ी सुनाई है। जो निर्णय सुनाया है वो अदालत ने सुनाया है, वो अदालत का अधिकार है। तो अब उसको आप कैसे कैसे उसको बोल करके आप उसको गलत साबित कर सकते हैं? ऊपरी अदालत में जाके आप उसको गलत साबित करिए, बाहर टीवी पे या कहीं और बोल के ये बोलना कि जी ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया, किसी प्रवक्ता ने किया, किसी एनालिस्ट ने किया, ये रॉन्ग पोजिशनिंग मत करिए सर। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे सरदार पटेल की तरह हम करेंगे ये, भाई आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं कि आप सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं? भारत को ये गुलाम तो है नहीं ना, ठीक है? कि आप वो वाला अख्तियार करेंगे जो सरदार पटेल वगैरह या भगत सिंह अख्तियार करते हैं, ठीक है? एक मिसाल जी, ठीक है, ठीक है, आपने अपना पॉइंट ठीक से रखा। मैं रत्नाकर जी के पास एक बिल्कुल अलहदा किस्म का सवाल लेके जाऊंगा, जो राजनीतिक विषयों पर होने वाली टीवी की झाऊं-झाऊं से अलग है। आराम से सुनिए, आराम से जवाब दीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल की सरकार के बाद 10 साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में सरकार रही, मनमोहन सिंह की, ठीक रही ना? उस सरकार में आप कहते हो कि भाजपा तो हमसे बड़ी भ्रष्टाचारी है, उस सरकार ने क्या वाजपेयी सरकार के 10-5 मंत्रियों को जेल भेजा, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया? नहीं। आप कहते हो इन्होंने जर्सी गाय बोला, दिस बोला, देट बोला, बकरी बोला, क्या क्या बोला, आपने मुकदमा लिखाया? नहीं। क्यों? आपने बस इतना सोचा कि हम टीवी के प्रवक्ताओं को बता देंगे कि तुम लोग बोलते रहो, और ये कहते रहो कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के खिलाफ मुकदमा ना लिखाया जाए। ऐसी स्ट्रेटजी है क्या भैया कि ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं? रत्नाकर जी, मैं आपका जवाब दे देता हूं साहब जी, एक लाइन में सिर्फ मिश्रा जी का जवाब देना चाहता हूं। दे दीजिए। ये कह रहे थे कि आज अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक। भाई साहब, आपको शायद आप सिर्फ भाजपा के चश्मे से देखते हैं, इसलिए आपको दिखता नहीं है कि देश में किस तरह से तानाशाही चल रही है। और उस तानाशाही के खिलाफ अगर विपक्ष एकता और एकजुटता दिखाता है, सड़कों पे उतरता है, उसके खिलाफ अगर बात करता है, तो आपको लगता है कि नहीं भाई, ये हम तो मतलब यहाँ पे तो राम राज्य चल रहा है, इस तरह की कोई जरूरत नहीं, तो ये आपका चश्मा है, आपको मुंबर है, ठीक। दूसरी चीज में अमिताभ जी आपके ऊपर आना चाहूंगा, आपने जो प्रश्न किया, देखिए लोकतंत्र में बहुत बार बहुत सारी चीजें, मैंने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा कि राजनीति में बहुत सारे वक्तव्य आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी राय रखते हैं, और राय रखते हैं तो कुछ उसमें व्यक्तिगत रूप से भी टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन इसको एक तरह से अवॉइड करने वाला जो सिचुएशन होता है वो किया जाता है, क्योंकि जनता जो है वो तय करती है कि कौन सही है कौन गलत है, और वक्तव्य राजनेता देते रहते हैं। अब मैं ये कह रहे हैं कि FIR क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? जी हाँ। अरे भाई साहब, ये जो अब सुन लीजिए, ये जो सावरकर के ऊपर वक्तव्य दिया है राहुल गांधी ने, उनके जो पोते ने उनके ऊपर भी मुकदमा करा दिया है, मैं पूछना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के पर पोते ने खुलेआम इल्जाम लगाया है कि महात्मा गांधी की हत्या में जो गन का इस्तेमाल हुआ था वो सावरकर ने प्रोवाइड कराया था, आप क्यों नहीं उस पे उनके ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं?
आप व्यक्ति विशेष को टारगेट करके सारे मुकदमे एक मिनट ठीक जी मैं आऊंगा मेरी बहस में ये झगड़ा नहीं रुकिए काम जो है ठीक ठीक है मैं और बहस को नैरो कर दूं रखेंद्र जी आप ही पास आ रहे हो कांग्रेस का ये तर्क इसलिए बहुत वजन नहीं रखता मैं मानहानि का कानून कहता है कि ये मैं तय करूंगा कि मेरी मानहानि हुई कि नहीं कि मैं मुझे मुकदमा करना है कि नहीं कोई दूसरा नहीं तय कर सकता कि अमिताभ जी आपकी मानहानि हुई मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हम तय करें एक ये तो समझ लीजिए फंडा क्लियर रखिए पार्टियों से कानून नहीं बदलते एक दूसरी बात मैं कहता हूं मैं और क्रिस्प कर दूं ताकि भागने का रास्ता नहीं रहे जनता समझ पाए कौन कहां खड़ा है छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहा है आज प्रधानमंत्री वहां थे उस छत्तीसगढ़ में जब पहले चुनाव हुआ था जब रमन सिंह चीफ मिनिस्टर थे जिसमें जीतकर कांग्रेस आई और भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर बने उसमें कांग्रेस का कोर कैंपेन था धान घोटाला रमन सिंह चाऊर वाले बाबा कहे जाते थे कांग्रेस ने कहा हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया रमन सिंह ने हमको वोट दीजिए आएंगे जेल भेजेंगे भगवान का नाम लेके चुनाव आ गया दूसरा पांच साल सरकार चल ली जेल तो छोड़ो एक तहरीर तक नहीं दी कांग्रेस ने कही सरकार ने ये झूठ ये प्रपंच तो फिर नहीं माने आप बार बार उसी पर आ रहे हो अमिताभ जी ये सब चलता रहा है चलने दो मैं कहता हूं चलने कतई नहीं दिया जाना चाहिए आप बात कह रहे हैं जिम्मेदारी लीजिए मुकदमा करिए नहीं तो झूठा आरोप लगाने में जेल जाइए क्या समस्या क्या आप सुप्रीम कोर्ट क्या लेके गए थे 14 दलों के दस्तखत करा के ईडी सीबीआई से कह दिया जाए जो लोग खादी पहनते नेता हैं एमएलए एमपी हैं उनके खिलाफ जांच नहीं हो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया था वहां तो भाजपा नहीं थी ना वहां तो चंद्रचूड़ साहब थे क्या जवाब दिया था क्या आपकी बुद्धि कहां गई है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्या कि नेताओं को एग्जेम्पशन दे दें उन्होंने कहा था कोई केस हो तो मेरिट पर लाइएगा ये चिट्ठी लेके मत आइए अभिषेक मनु को वो चिट्ठी वापस लेनी पड़ी थी कि नहीं खैर